दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले उत्तम सुगर्स लिमिटेड के बारे में, जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और अंडर रेडर में भी रखा हुआ है। ये टेक्निकली जो बियर बोन्स जो साइड बना हुआ है, ट्रेंड लाइन में दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, क्योंकि कंपनी का कामकाज, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का जो मैनेजमेंट, कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी, कंपनी का जो मैनेजमेंट का आउटपुट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एनपीए, सब कुछ को देखते हुए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अंडर रेडर में रखा जा रहा है। और मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस में आप बाई कर सकते हो, क्योंकि सीधा सीधा 320 का टारगेट निकल के आ रहा है और 73% आपका 52 वीक लो से अपना पॉजिटिविटी दिखाया है स्टॉक ने। अभी मोमेंटम भी बुलिश हो चुका है दोस्तों, और देख सकते हो कि सीधा 320 का लेवल, जो मैं बहुत शॉर्ट लेवल दिया हूँ, वैसे तो 450 का टारगेट आपको बहुत शॉर्ट टर्म में ही मिलने वाला है, लेकिन 320 का सीधा सीधा टारगेट आपको अचीव होता दिखेगा, वो भी अगले 2-3 महीने के अंदर। तो देख सकते हो कि 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उस हिसाब से, और EPS भी आपका 1% बढ़ा है। टेक्निकली आपका बियरिश से बुलिश जोन में जा रहा है, और RSI लेवल 48 और MFI 75 में है, बहुत अच्छा RSI है। अभी भी MACD सिग्नल जो है ग्रीन में आया नहीं, ग्रीन में आती है स्टॉक जो है एक एक दिन में 20% सर्किट लगाने का वाला स्टॉक है। फास्ट रेजिस्टेंस 278 में है, जो फिलहाल मुझे लगता है मंडे को ये ब्रेक कर देगा, और अपना सपोर्ट के बहुत नज़दीक में है, तो 269 का एक सपोर्ट लेके फिर से एक अप मूव ट्रेंड दिखाएगा। स्टॉक का म्यूचुअल फंड FII पब्लिक और बाकी सबका होल्डिंग भी बहुत इंटैक्ट है। प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत माल कम किया है, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड ने और FII ने माल बहुत ज़्यादा उठा लिया है, जैसे कि FII बहुत ज़्यादा आपका बुलिश है स्टॉक को लेके। और सबसे बड़ी बात है कि कॉरपोरेट एक्शन देख सकते हो, 2 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है 15 सितंबर को, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आया कि अपना 2 रुपये का देखो फास्ट डिविडेंड दिया इस कंपनी ने, तो ये इससे पता चलता है कि कामकाज कितना बढ़िया तरीके से, कितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट आ रहा है। 67% बाइंग के राय दे रहा है 46 में से, तो ये बहुत अच्छा एक शेयर है दोस्तों। मेरे ख्याल से अभी आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बाई करना चाहिए। बहुत ही तगड़ा इथेनॉल प्रोडक्टिविटी, अब जो अक्टूबर से इसका एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है, उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में उत्तम शुगर बाकी बजाज हिंदुस्तान शुगर से भी कंपेयर किया जा सकता है। पार कैपिटल और पार हेक्टर में जो इनकम, और ऊपर से इथेनॉल प्रोडक्शन में वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है शुगर सेक्टर में, तो आपका नज़र इसमें होना चाहिए और बाइंग कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस में। टारगेट रहेगा फर्स्ट 300, उसके बाद 320 का लेवल, और जो एक महीने के अंदर आपको मिल सकता है, और 450 आपका लॉन्ग टर्म टारगेट, बहुत ही 4 से 5 महीना या तो फिर 1 साल के अंदर मिनिमम से मिनिमम आपका बहुत तेज़ी से तेज़ी। तो 450 का लेवल अब तो इतना जल्दी आएगा नहीं, तो 300 के टारगेट को लेके आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी अंडर वैल्यूड में चल रहा है तो आप बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी जहां RSI लेवल थोड़ा सा भी बुलिश हुआ तो वॉल्यूम के साथ जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, वो एक एक दिन में 10% का 20% का सर्किट लगाएगा, तब आप बाई नहीं कर पाओगे और प्रॉफिट का मज़ा नहीं ले पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात है कि शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।